नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत और हमारे यूट्यूब चैनल एच के रेलवे इंट्रोटेक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे खजुराहो रेलवे स्टेशन एवं इसी के साथ साथ इसके बारे में जानकारी भी देंगे। दोस्तों, आप सामने की तरफ खजुराहो रेलवे स्टेशन देख रहे होंगे और स्टेशन के सामने की तरफ एक बड़ा सा पार्क है और पार्क के लेफ्ट एवं राइट तरफ से आने जाने का रास्ता है। दोस्तों, खजुराहो एक टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ पर विदेशों से पर्यटक घूमने आते हैं। दोस्तों, आप सामने की तरफ से देख रहे होंगे कि खजुराहो रेलवे स्टेशन एक पर्यटन स्थल से कम नहीं दिखता। दोस्तों, खजुराहो के पूरे मंदिरों की बनावट चंदेलकालीन सभ्यता के अनुसार है। उसी क्रम में इस स्टेशन का डिज़ाइन भी उन्हीं चंदेलकालीन मंदिरों के जैसा रखा गया है। दोस्तों, आइए अब आगे की तरफ चलते हैं और आपको प्रकार नज़ारा दिखाते हैं। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि खजुराहो रेलवे स्टेशन महोबा रेलवे स्टेशन से कुल 63 किलोमीटर की दूरी पर है और यहीं छतरपुर से बात करें तो इसकी दूरी 32 किलोमीटर है और राजधानी भोपाल की दूरी यहां से कुल 367 किलोमीटर और प्रयागराज की बात करें तो कुल 316 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, यह रेलवे स्टेशन बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ से देश के कई बड़े शहरों के लिए ट्रेनें चलती हैं। दोस्तों, वर्तमान में इंदौर जाने के लिए अंबेडकर नगर एक्सप्रेस, राजधानी भोपाल जाने के लिए महामना एक्सप्रेस एवं दिल्ली और हरियाणा जाने के लिए कुरुक्षेत्र स्पेशल एक्सप्रेस, यहीं राजस्थान जाने की बात करें तो उदयपुर सिटी एक्सप्रेस जो खजुराहो से उदयपुर सिटी तक चलती है, यहीं यदि अहमदाबाद की बात करें तो बरौनी अहमदाबाद यहाँ से गुजरती है। इसके साथ साथ आसनसोल वीकली स्पेशल ट्रेन भी है जो यहाँ से होते हुए अहमदाबाद जाती है। यदि मुंबई की बात करें तो प्रयागराज से पनवेल जंक्शन तक, इसके साथ साथ छपरा लोकमान तिलक टर्मिनल तक ट्रेन चलती है। और यदि बिहार जाने की बात करें तो बरौनी एक्सप्रेस से ट्रेन है जो बिहार के बरौनी तक जाती है। दोस्तों, यह स्टेशन के सामने का दृश्य है और अब अंदर की ओर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। दोस्तों, जहां पर हम खड़े हैं यह स्टेशन का लेफ्ट गेट है और आप सामने की तरफ देख पा रहे होंगे जहां पर कार खड़ी है वहां पर स्टेशन का दूसरा गेट है, सामने की तरफ यह गार्डन है। आइए अब अंदर चलते हैं। दोस्तों, यहां पर टिकट काउंटर है जहां पर आरक्षित और अनारक्षित दोनों प्रकार की टिकट की सुविधा उपलब्ध है और यहाँ पर ट्रेनों की इंफॉर्मेशन स्क्रीन के साथ साथ सभी ट्रेनों की समय सारणी भी लगी है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। तो आइए बात कर लेते हैं खजुराहो रेलवे स्टेशन के लोकार्पण के बारे में। तो यह रेलवे के उत्तर मध्य रेलवे जोन का स्टेशन है जिसका शुभारंभ 26 दिसंबर 2008 को हुआ था। इस समय के रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद थे। दोस्तों, यह अंदर से बाहर का नज़ारा है। दोस्तों, अब और अंदर चलते हैं। दोस्तों, यह स्टेशन का प्लेटफार्म क्रमांक 1 है जहाँ पर बरौनी अहमदाबाद एक्सप्रेस खड़ी है। दोस्तों, आइए अब आगे की ओर चलते हैं। गाइज, यह स्टेशन का लेफ्ट व्यू है और अब आगे चलते हैं और इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। दोस्तों, यहां पर सबसे पहले कैंटीन है और आगे की ओर रेलवे स्टाफ एवं अन्य कर्मचारियों के ऑफिस हैं, जैसे स्टेशन मैनेजर, प्रबंधक, RPF थाना एवं अन्य सभी प्रकार के नियंत्रण कक्ष हैं। और इसी तरफ स्टेशन का इनपुट गेट एवं दूसरी तरफ स्टेशन का एग्जिट है। दोस्तों, अब हम आपको जूम करके दिखाते हैं। दोस्तों, अब आगे चलते हैं प्लेटफार्म की ओर। यह एल्को लोकोमोटिव है जो सेंटिंग के लिए जा रहा है और सामने की ओर मालगाड़ी जा रही है। दोस्तों, यहीं पर सभी गाड़ियों की सेंटिंग होती है फिर आगे की ओर छतरपुर जाती हैं। दोस्तों, सामने की तरफ देख पा रहे होंगे जहां पर मालगाड़ी खड़ी है उसके लेफ्ट तरफ का ट्रैक स्टेशन का प्लेटफार्म क्रमांक 1 है तथा मालगाड़ी के दाहिने तरफ जो ट्रैक है वह महोबा खजुराहो ट्रैक है और 500 मीटर आगे चलने के बाद लेफ्ट तरफ खजुराहो छतरपुर ट्रैक है। तो आइए प्लेटफार्मों के बारे में आपको जानकारी देते हैं। दोस्तों, हम ओवरब्रिज पर हैं और सामने की ओर आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट तरफ लाल कलर के LHV कोच वाली बरौनी अहमदाबाद स्पेशल खड़ी है। वह स्टेशन का प्लेटफार्म क्रमांक 1 और दूसरे नंबर का ट्रैक गाड़ियों की सेंटिंग, क्रॉसिंग एवं लोकोमोटिव के आने जाने के लिए है।
और जो सामने 3 नंबर का ट्रैक है वह स्टेशन का प्लेटफार्म क्रमांक 2 है। आइए अब दाहिने तरफ देखते हैं, जिस ट्रैक पर बैगनी कलर के कोचों की खजुराहो महामना एक्सप्रेस खड़ी है वह स्टेशन का प्लेटफार्म क्रमांक 3 है। तो स्टेशन पर कुल 3 प्लेटफार्म हैं और अंत में येलो कोच की जो उदयपुर सिटी खड़ी है वह वॉशिंग क्लीनिंग एवं ट्रेन के खड़े होने का ट्रैक है। दोस्तों यह ऊंचाई से सामने का दृश्य है। आइए अब नीचे की ओर चलते हैं और हम प्लेटफार्म क्रमांक 1 पर आ गए। दोस्तों सामने की ओर प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म तक जाने का ओवरब्रिज है। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह स्टेशन रेलवे के उत्तर मध्य रेलवे जोन में आता है। दोस्तों यहां से खजुराहो से महुआ तक का सेक्शन इलेक्ट्रिक सेक्शन है और खजुराहो छतरपुर सेक्शन में इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य चल रहा है जो अगले 1 से 1.5 माह में कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों आपको खजुराहो रेलवे स्टेशन के बारे में यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। साथ ही यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल HKS रेलवे इन्फोटेक को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आगे मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।